জি সেনেটর রুবিনা খালিদ সেনেটর রুবিনা খালিদ সাহেবা सर आप पहले बताएं सेनेटर सादिया बस साहब आप पहले बता दें दे कोई बात नहीं आप बता दें नहीं सर अब उनको ही दे जी मैं रुबीना खालिद साहब थैंक यू चेयरमैन साहब बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं एक वाक्या जो लाहौर में पेश आया है दो दिन पहले मैं नहीं समझती यहाँ पे किसी ने उसके बारे में बात की है कि एक खातून को हरासा किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो जो हमारे हरूफ तहजी है वो उसकी उनकी शर्ट पे वो हरूफ जो थे वो छपे हुए थे और जो मनाजिर सामने आए हैं वो बहुत खौफनाक हैं उनकी शर्ट पे लिखा हुआ था हलो हलो मेरे ख्याल में अरबी में शायद कहता है किसी बहुत अच्छी चीज़ को या खूबसूरत चीज़ को और उसको उसके साथ तशबीह दे देना कि ये कुरानी आयात थी मैं समझती हूँ कि ये एक इससे पता चलता है कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है जो हमारे अंदर अदम बर्दाश्त है जो हमारे अंदर जो है बिल्कुल एक जहालत का ही इसको नाम दूंगी कि आप कुरानी आयात को और आम हरूफ के अंदर जो है फ़र्क ना कर पाएँ और उस उनके जिस तरीके से वो फिर पुलिस ने पहुंच के उनको बचाया नहीं तो वो लोग वहाँ पर जो मुश्तहिल हजूम था वो शायद इससे भी बदतर कोई वहाँ पर कार्रवाई करते तो इसलिए मैं समझती हूँ कि हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं ठीक है जी ये इस पे डिबेट होनी चाहिए कि क्यों हम जो हैं इतनी जाहिलियत का मुजाहरा करते हैं और फिर उस खातून से वहां माफी मंगवाई गई उन्हीं लोगों के सामने जिन लोगों ने उनको एक्यूज किया फिर फायदा क्या एक ऐसा काम जो मैंने नहीं किया जो उन खातून ने नहीं किया उसके लिए उसको पब्लिकली रिकॉर्डेड माफी मांगनी पड़ी और मजे की बात मैं आपको बताऊं चेयरमैन साहब कि वो जो शर्ट है वो ब्रांड है वो जो बनी हुई है वो सऊदी अरब से बन के आती है वहां पे डिजाइनर्स ने वहां ये बनाया है वहां खैर है कोई बात नहीं है लेकिन यहाँ खवातीन को इस तरह से हरासा करना या किसी को भी हरासा करना मजहब के नाम पे हम सब मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह और हमें इस पर फख्र है लेकिन मुसलमान और जाहिल में बहुत फर्क है जाहिलियत अलग चीज है और मुसलमान होना और चीज है थैंक यू जी तो चेयरमैन साहब एक और चीज भी जो है आपने मुझे दिया है फ्लोर तो मैं करना चाहूंगी कि कुछ दिन पहले हमने आपके सामने पीएमडीसी का मामला रखा था जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके हवाले से तो उस पे कोई पेशरफ्त हुई है या नहीं हुई हम ये जानना ये सेक्रेटरी साहब मैंने आपको कहा था कि पीएमडीसी रिपोर्ट करे फ्राइडे तक हमें बताए अगर कमेटी ने ये वहाँ पे उन्होंने माना है तो फिर क्यों ये खत्म नहीं करिए मसला फॉरन फ्राइडे को ये रिपोर्ट लेके आए हैं पीएमडीसी से जी सेनेटर सादिया अब्बासी साहिबा